नवरात्रि मेले के दौरान जिस रोड पर हमेशा दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता था, उस रोड पर कोरोना वायरस के कारण दिन भर सन्नाटा पसरा था। स्थानीय दुकानदार व्यापार में हो रहे नुकसान को लेकर चिंतित है। प्रवीण जी, कितने साल तो जिहड़ा झंडिया का काम तुहाडा इस सड़क पर चल रहा माता चिंतपुर्णी रोड? साडा झंडिया का काम 12 साल तो चलता पिया भाजी। ये लॉकडाउन ने ना बहुत काम खराब किया है, यानी कि बहुत तंगी आई है सानू, पर बिल्कुल गाहक आते नहीं पे है। आज सवेर के 2-3 गाहक सिर्फ आए है जी। हेलो, साडा भी यानी कि बहुत काम खराब होया। अगे असी डेली 500-700 रुपया कमा भी लेंगे, सिर्फ उही 30-40 रुपये या 50 रुपये आते हैं सानू है जी। नहीं जी, होर कोई व्यापार नहीं है जी साडा, असी झंडिया के सिर पर गुजारा करते हैं जी। की सरकार? नहीं जी, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछण आया है बस, कोई इदा सानू कोई सहायता नहीं मिली। सो भगतों केड़े शब्दों में अपील करूंगे कि हम आ के दर्शन वास्ते पहुंचे? हुण असीं यही कहिंदे आ वी जिन्हें भी यात्री है ना माता चिंतपुर्णी दे जाणगे, उन्ना ही साडा ही फायदा हैगा, ते सानू भी साडी भी रोजी रोटी चलेगी जे कोई चिंतपुर्णी जाएगा मत्था टेकण वास्ते। जी यही कहना चाहते हैं, हमारे साथी का चलान कटा है रास्ते में, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसका चलान इसको न्याय मिलना चाहिए। ये 2000 या जो भी चलान हो, ये चलान फ्री में भुगतना चाहिए इसका। ये चलान का पैसे हम लोग नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग को लड़ाई करना पड़ेगा। लड़ाई करेंगे जाके, जहाँ मर्जी होगा वहाँ कोर्ट में जाएंगे, आगे जहाँ मर्जी होगा वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। ये चलान के लिए खड़ा करके आए हैं, आधे रास्ते में गाड़ी इसका खड़ा करके आए हम लोग। रास्ते में गाड़ी खराब हो गया तो क्या करें, उसको हम छोड़ दे वहीं पे, अपना साथी को छोड़ दे गाड़ी जब खराब हो गया तो। बस यही कहने के लिए हम लोग चाहते हैं, बाकी जा रहे हैं उधर से आएंगे, फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। हम लोग जा रहे हैं माता जी के द्वार पे, कोरोना काल अभी चल रहा है, पूरा विश्व को शांति सुखी रखे माता रानी, बस यही है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, बोलो सच्चे दरबार की जय।